ठंडी सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो भाई इसी सर्द मौसम को लेकर हमारा दिल चाह रहा है कि हम कुछ मीठा बनवा के खाएं। मेरा तो दिल चाह रहा है लौकी का हलवा खाने का। यू कैसा है बताओ भाई, दिखाओ बताएं। सलामुअलैकुम जी। तो सीन कुछ यूं है कि कराची और बाकी और सिटीज में जो है ना ठंडी सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है, तो भाई इसी सर्द मौसम को लेकर हमारा दिल चाह रहा है कि हम कुछ मीठा बनवा के खाएं। तो हाँ जी पापा, क्या बनवाएं मम्मा से मीठा? यार मेरा तो दिल चाह रहा है लौकी का हलवा खाने का। यू इतना बेकार होता है वो। तुम्हारी माँ का हाथ का लौकी का हलवा, सिर्फ लौकी के हलवे के चक्कर में तुमने उससे शादी करी है? क्या मतलब है, लौकी के हलवे के चक्कर में मम्मा को घर उठा के लिया है? अरे भाई हाँ, लौकी का हलवा ऐसा बनाती है कि उंगलियां चाट चाट के मैं दो तीन बार तो उसका हाथ खा गया हूँ। अच्छा हाँ। तो चलिए आज कुछ मीठा हो जाए। तो चलिए चलते हैं, मम्मा से बात करते हो, बनवाते हैं लौकी का हलवा। चलो चलो फिर मम्मा से बात करते हैं। मम्मा मम्मा, पापा और मेरी फरमाइश है कि आज जो है ना आप बनाओ लौकी का हलवा, और हमारे व्यूअर्स की फरमाइश थी कि आज कुछ मीठा हो जाए, तो आज मीठे की रेसिपी शेयर करते हैं। तो बनाओगे लौकी का हलवा? दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर शौहर ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा। चलो जी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लौकी के हलवे की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं लौकी के हलवे की। तो चलिए चलते हैं। यहाँ चल रही है, किसकी तैयारी चल रही है? मम्मा जी हाय। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। लौकी के हलवे की, लौकी का हलवा बना रही हो? लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, मेरी माँ लौकी का हलवा बनाती है, देखो जरा। तो यहाँ सब खाना चाहिए, सब खाना चाहिए। लौकी हमारी 2 किलो। सही है, ये देखो भाई, ये हमारी लौकी है 2 किलो। और पूरे का बनाओगी? पूरे का बनाओगी? इसका छिलका उतारना है बारीक बारीक बस। चलो जी, जब तक मम्मा इन सब लौकी का जो है ना छिलका उतार रही है, ठीक है, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट आता है लौकी का। ओके हो गया ना, हमारी लौकी बिल्कुल सफ़ेद शर्ट हो चुकी है, मतलब मम्मा ने इन सबके छिलके उतार दिए। वो देखो कितनी फास्ट मम्मा है हमारी। और यहाँ जो है ना हमारी लौकी हो रही है कद्दूकश, और ये आपने कद्दूकश का एक छोटा वाला लेला भी बोल दिया करो, हाथों में दर्द हो गया मेरे। क्या करना है? माशाल्लाह भाई, देखो ये बना रही है मम्मा लौकी का हलवा, उसका प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ देखो ये निकले छोटे छोटे, देखो ऐसे निकलना चाहिए। डाल दी? सही चल, सारी लौकी डाल दी। अब जो है इसका प्रोसेस शुरू हो गया। ऑयल कितना डाला? ऑयल डाला है 1.5 कप। ओके 1.5। अभी और डलेगा, अभी तो ऐसी डाल है बस इसके लिए कि जले ना ना। ये डाल दिया और इसमें ही ये होते में ही ग्रीन फूड कलर डालेंगे। ये आ गया जी फूड कलर। फूड कलर ठीक है, सही। ये इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। चीनी कितनी है हमारा? ये था 2 किलो। हाँ। और ये हमने भर के 1 प्लेट डाल रही हूँ, लेकिन ये के चेक कर लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं हो रहा, आधा आधा करके डालेंगे। 1 पूरी प्लेट ले ली है मैंने, आधी आधी करके डालूँगी। ओके हो गया, सही। तो इसका बुनाई का काम है, अब इसी में मैं और आपको चीज़ें ऐड करके दिखाती हूँ। पहले ये भून लूँ अच्छी तरीके से, और जब तक हम ये हो रहा है मैं इलायची पीस के डाल दूँ। इलायची, चलो जल्दी से इसको भून। फूड कलर से ये देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है इसमें। अब ये जैसे जैसे भूनता रहेगा और ये फूड कलर मिक्स होता रहेगा, घी गरम होता रहेगा और ये मिक्स होता रहेगा। भैया हमने इलायची ले ली, इसे छिलके उतारेंगे हम, ठीक। और इसके दाने डालने हैं खाली, हमने पीस के थोड़े से। ये हमारी इलायची है, मैं बता दूँ आपको बाबा टेस्ट के हिसाब से डालना है। मेरा हलवा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डाल लूँ, आप लोग 4-5 डालिएगा आपका। अगर हलवा कम है तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लूँ भाई, क्योंकि इलायची खुशबू देती है ना, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा करूँ। ये पीस के डालूँगी मैं, ये डाल देती हूँ। और इसके लिए हमने खोपरा वगैरह मंगाया हुआ पिसा हुआ,
बुलाते ये इसके छिलके उतारने हैं आप लोगों ने इलायची के हाँ। ठीक है, इसके अंदर का जो मलवा है ना मींस इंग्रेडिएंट्स सिर्फ वो डालना है आपने, ये हाँ। ये डालना है इसमें। छिलके मुंह में अच्छे नहीं लगते ना हलवे में, आप देखिएगा कितना मजे का हलवा बनेगा। ये हलवे की तैयारियाँ चल रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। ये इलायची डाल ली हूँ मैं, छिलके देखे मैंने निकाल दिए, अब ये छिलके निकल गए हैं भाई सारे देखो हाँ। ठीक है, ये हमने पीस लिया पाउडर हाँ, ये देखो कितना अच्छा है ये पाउडर डाल ले। ये जब तक हो रहा है चीनी चेक कर लें कम, ये और चीनी डाल देते हमने, देखे पूरी प्लेट ही डाल दी हमने सब, हमें कम लग रही थी थोड़ी मिठास, हमारे मीठा बहुत अच्छे शौक से खाते हैं ना, मीठा मीठा चाहिए। ये देखिए जेली लग रही है हम्म। अब बारी है इसमें नट बोल्ट डालने की, सबसे फेवरेट पार्ट होता है हमारा हाँ। चलो क्या है ये मिलके, कौन सा मिलके बे पढ़ाओ उसको, फ्रेश मिल्क इंस्टेंट मिल्क, कौन सा है 250 ग्राम वाला, ठीक है देख लो पढ़ लो उसको, सूखा दूध हाँ सूखा दूध समझ गया। ओपन कर लेते हम लोग क्योंकि हमने इसमें डालना भी है खोपरे में, वहाँ खोपरा ओ सॉरी हलवे में, हलवा हमारा रेडी हो रहा है। चलो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करो भाई। ये देखो हमने कप में डाल के, कप का हिसाब आपको बता रहे हैं हम, ठीक है हाँ। ये एक कप ले लिया हमने सूखा दूध, हम लोग सूखा दूध ही बोलते हैं ठीक है। ये देखो आप डालेंगे सेकंड पे हम खोपरा पिसा हुआ, पिसा हुआ ये भी आपको कप का हिसाब बता देती, ये खाने में भी इतना ही टेस्टी होता है सही। एक कप ये आगे, दूजा कप, फिर इसको हम खुद डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब क्या करना है मम्मा बताओ व्यूअर्स को, बुनाई कर लिए बस, आप बुनाई करेंगे, बुनाई बस गला नहीं अभी। अच्छा देखा चाट नहीं है खुद भी, चलो जब मम्मा कर रही है बुनाई हलवे की हम्म। मम्मा बुनाई में कितना टाइम लगता है, जब तक वो पानी ख़त्म हो जाए इसका खुश्क हो जाएगा और हम उतार लेंगे फिर सजावट करेंगे। हाँ ओके, और पानी खुश्क करना है बस। चलो जी अब हम वेट करते हैं इसलिए खड़े हैं, हलवे का पानी सूखने का, ठीक है लग ना जाए इसलिए हमने इसे फिलाते रहना चम्मच। चीनी नहीं सब ओके ओके हो गया, चलो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई ये किशमिश डाली हमने ठीक है, यहाँ पे ये पानी, लेकिन उससे पहले हमने इसके ये निकालने पड़ेंगे तिनके जो है ना, जब तक ये खुश्क हो गया पानी इसका, ये देखें ये देखो पानी दिखाओ एकदम सूख गया ये पानी। बुनाई तब तक करनी है जब तक इसका पानी ना सूख जाए, ठीक है पानी सूख गया बिल्कुल इसका, अब इसको ऐसे ही बुनाई करते रहेंगे बिल्कुल खुश्क कर देना ताकि ये जम जाए। सही है ऐसे करेंगे तो हम जम जाएगा ये, तो हम अभी इसको भूनते रहेंगे, तब तक हम लोग इसकी डंडियाँ निकाल लेते हैं बैठ के ओके, जब तक मम्मा ये इसको भून लेंगे, डन करो। चलो जी मम्मा ने बोला बादाम लेती हुई ऑफ फ्रिज में से, तो ये रहे हमारे बादाम ठीक है, लेकर जानी है उन्हें मम्मा के पास। क्या आप लेकर आए ये मंतशा, लाइए बादाम खाना है आपने, पहले डाले नहीं तुम्हें दे दें हैं। मैं लाया हूं। चलो यहाँ अनाया जो है ना ये छील रही है बादाम, ये लो बादाम, ये अनाया निकालिए इसमें से डंडियाँ इसकी, फिर आलू छीलूंगी वो देखे, वो आलू रखे हुए पहले ये कर लो फिर दूसरा काम करना। तो भाई ये हमारे नट बोल्ट्स तैयार हो रहे सारे जो हमारे हलवे में डलेंगे, और हलवा भी हमारा तैयार हो गया, तैयार है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारा हलवा भी तैयार हो गया। आ जा ये ले पकड़ो, देखो ये रहा हमारा हलवा, चलो कमरे में चलो, ये रेडी ये पकड़ो इन दोनों, क्या करना है इसको अंदर,
अंदर लेके चले। चलो भाई चलो, नमक एरी अंदर लेके चलो। बिस्मिल्लाह, ये आ गया है जी हमारा सबका फेवरेट। क्या ये पता है, ये है लौकी का हलवा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ए आप तो पसंद है, आप तो पसंद है, मुझे बनाऊंगी। आप तो पसंद है? हाँ बनाऊंगा। चलो जल्दी से, हमारा हलवा सेटअप हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। हाँ मम्मा जी। हाँ ये देखो, अब इस पे हम थोड़ा सा ये घी लेंगे। सही है, धो के लाओ। और ये घी लगा देंगे ताकि ये चिपके ना, हलवा चिपके ना। तो हमने ट्रे लेनी है, उस पर हमने लगानी है घी। देखो ऐसे सेम टू सेम। तो हमने घी लगाने के बाद जो है ना सेकंड स्टेप, मम्मा सेकंड स्टेप क्या करना है? हलवा डालना है इस पे। हलवा डालना, देखो ऐसे। ये चेक कराओ क्या बनने, तो दो भी पहले पहले रुक जाओ, अभी पहले डिश में सर्व होने दो। अभी इस पे नट बॉल्स भी नहीं डाले और ये बाप बेटी जो है ना खाने बैठ गए। क्यों हम डाले में डाले? कैसा है? यम्मी। अबू की अम्मी, ये तुम्हारी अम्मी पहली वाली। सही है। चलो जी, अब इसके ऊपर हो रही है टॉपिंग, गार्निशिंग हो रही है। देख लो, बादाम, पिस्ते, किशमिश, इन सब चीज़ों की। आधा आधा बादाम रखूँगी मम्मा, इतनी गुरबत आ गई है तो वाइट वाइट नज़र आना चाहिए ना, ग्रीन ग्रीन पे। चांद सितारे हम तुम सजा के दिखाएंगे। कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। ये लगाना अच्छा लगता है आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखो भैया, हो रही है हमारे लौकी के हलवे की गार्निशिंग। ग्रीन पे वाइट मम्मा ये गार्निश कर रही हैं। देख रहे हो आप लोग, क्या मजेदार लग रहा है भाई। अरे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारा हलवा हो गया है तैयार। कौन सा? लौकी का हलवा। लग रहा है ये लौकी का हलवा, लेकिन खाने में जबरदस्त है। हम लोगों ने अभी टेस्ट नहीं किया। हाँ। तो हमारी खुशबू से पता लगा। मैंने किया था, मैंने किया, मैंने पतीले में लगा हुआ था ना, वो मैंने खाया, इतने मजे का था। अभी इसको स्लाइस काटूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। चले जी, अब वेट करते हैं मम्मा कब स्लाइस काटेंगी और कब हमें नसीब। अभी काट के दिखाएंगे हम। अच्छा अभी काटेंगी। चलो जी जाओ पापा, गाइस को इतना इंतजार नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, मम्मा कह रही है हम अपने गाइस को इतना इंतजार नहीं करवाएंगे। ये आ गई जी हमारी नाइफ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में लग रहा है, जैसे आप लोगों को मिलता है ना मिठाई वाली की शॉप पे, सेम टू सेम ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है। ये देखो, मैं आपको स्लाइस निकाल के टेस्ट करवाते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह मिठाई वालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरी मम्मा ने। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये आ गया जी हमारा हलवा, जजेस के पास आ गया कि हमने इसका रिव्यू करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसका रिव्यू। ये रहा हमारा चमचा, ओह सॉरी गलत चमचा, लेकिन हम फिर भी इसी से खाएंगे। क्या हो गया? ये कैसा है बताओ भाई, दिखाओ, बताएं, बताना भी नहीं आ रहा। एकदम जो हम रिजवान से और ये जो ये वाली रेस्टोरेंट स्टाइल जो फूड स्ट्रीट होती है जहाँ से मिलता है ना, सेम टू सेम मिठाई वालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरी मम्मा ने। इतना लजीज बना के बस ना पूछो। अब पापा का रिव्यू लो भाई। ये देखें, ये देखें, ये देखें लच्छेदार, एकदम क्या लच्छेदार है। इसके अंदर जो ना
सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार है ना वो है लौकी खुद और दूसरे नंबर पर खोपरा। अरे है है। पापा की फरमाइश पूरी हो गई गाइस, सर्दियों में पापा की फरमाइश थी कि हाँ मैंने खाना है लौकी का हलवा और मम्मा ने उनकी बेगम ने कर दी उनकी फरमाइश पूरी। गुले गुले जा रहा है गुले गुले एंटिक एंटिक मतलब माशाल्लाह। हाँ मामा बहुत मजा है। पहले तो मजे का दूसरा मेरे हाथ से खा लिया और मजा बढ़ गया। वाह वाह। मैंने मम्मा तो खिलाया और मम्मा ना छोड़े। ओ कैसा बना मंदसा? टेस्टी बना मम्मा ने बनाया। वाह भाई दो राइस दिखाओ कैसा निकाला। ये देखो भाई। ओ दिल जले आप लोग। बनाओ क्या बोलती है फिर मम्मा? बनाओ और मेरे लिए तारीफ कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट्स लिख दें कैसा बना है। अगर आप लोगों ने घर में नहीं बनाया तो आप लोगों ने किया क्या? चलो जल्दी अपने घर में ट्राई करो। तो भाई जब से हमारे घर में हलवा बना है ना पापा मम्मा तो हलवे की जान ही नहीं छोड़ रहे। ये देखो क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो इतना ना खाओ इतना ना खाओ। जब से बना है जब से खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो। और ये देखो इससे बड़ा बाउल था वो खत्म कर चुके हैं और ये सेकंड बाउल है इन दोनों का। अपने नहीं बनवाया हमने। तो क्या मतलब है? बनवाया तो खाते ही रहोगे खाते ही रहोगे। हाँ भाई क्या हुआ? लेकिन बहुत मजे का बना। थक गई मैं थक गई। हाँ तो यार इतनी मेहनत कसम से छीलना फिर उसको कद्दूकश करना फिर उसको बनाना फिर उसमें वो करना क्या कहते हैं उसको भूनना उसको भूनना मतलब इतनी मेहनत। तो भाई कैसा लगा हलवा? बेहतरीन बोल तो रहा हूँ। शादी के चक्कर में करी है प्रॉब्लम मशीन। तो भाई अगर आप लोगों को हलवा मजे का लगा हो देखने में तो लग ही रहा है डिलीशियस। लौकी के हलवे की वजह से शादी की। अच्छा वरना तो पसंद तो मुझे बहुत सारी थी उनमें से किसी से कर ले तो मेरी मम्मा का तकाना लाजमी था खाने पर। जब से शादी हो के आएंगे ना जब से मम्मा पापा ने एक एक खाना बनवा के खाया मेरी माँ से देख लो। तो भाई ये रेसिपी होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो है ना ये हलवा न्यू तरीके से हमने इन्वेंट किया तो आप लोग अपने घर में बनाएं इसको खाएं टेस्ट करें। सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी रेसिपी है तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये हलवा बना के घर में खा लिया है। हाँ जी भाई ये हलवा एक तो पहली बात के बहुत मजे का है दूसरी बात ये कि लौकी फायदेमंद बहुत है। बिल्कुल। तो ये आप बीमारी में भी खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मीठा बिल्कुल भी नहीं होता ये खोपरा। आ हा खोपरे का जो रायका है ना मजा ही मजा। बिल्कुल तो आप लाजमी बना के ट्राई करें और आप दुआएं भी देंगे और बेगमों का हाथ खा देंगे अपने। नहीं 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 अगर आप एक बेगम है तो अपने शौहर को सरप्राइज दें। आप अगर ससुराल वाली है तो अपने ससुराल वालों को ही खिला के सरप्राइज दें। आपके ससुराल वाले ना आपकी उंगलियां मतलब आपके ना तारीफ के पुल बांध देंगे। अगर आप सेकंड वो है क्या बोलते हैं उसको बहू है नहीं ना बहू अगर आप बहू है तो आप अपनी सासों को ये खिला के मतलब खिला दें वो आपके जो है ना हाथ चूमेंगे फिर भाई यही है मेरी बहू जो भी है यही है। हलवा दिखाओ सही से तोड़ के दिखाओ। ये देखो भाई एक चीज और दिखाओ ये देखें ये हलवे के अंदर ये देखें ये देखें ये खोपरा देखो आप बस ये देखो लच्छेदार इतना पसंद आए इन्होंने मेरा देखे हाथ छोटा कर दिया खा गए वो मजा। चलो जी इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में मजेदार वीडियोस के साथ मजेदार रेसिपीज के साथ डिलीशियस यम्मी इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज के साथ लजीज लजीज खाना बनाती है मेरी माँ। तो भाई इसी के साथ सब्सक्राइब करते जाओ। मिलते हैं आप लोगों इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखो दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखो। टाटा बाय बाय लव यू ऑल टाटा अल्लाह हाफिज़।